गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है हमारे साउथ इंडिया ट्रिप का डे 6 और आज हम इस होटल से चेकआउट करके, मतलब रामेश्वरम के होटल से चेकआउट करके आज यहाँ से निकल रहे हैं। हम मदुरई जाएंगे अभी और मदुरई में हमें दर्शन करना है मीनाक्षी टेम्पल। तो मे भी हम वहाँ पे रुके, बड़ा बहुत लेट हो जाएगी तो रुकना ही पड़ेगा। तो मदुरई रुकेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम बेंगलुरु जाएंगे। सो मिलते हैं आपसे नीचे जाके। बहुत सही पैकिंग वगैरह हो गई है यहाँ से होटल में, कुछ देख लेते, कुछ छूटा तो नहीं है। सो मिलते हैं आपसे नीचे जाके। You are what I'm looking for. फाइनली हम लोग रामेश्वर छोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं मदुरई के लिए। मीनाक्षी टेम्पल विज़िट करना है और भैया ने अपनी गाड़ी में इतने अच्छे फ्लावर्स लगाए हैं, भगवान जी की पूजा की है। हाय मम्मी, बताइए। मम्मी सोचती है ये हमेशा मेरे ऊपर ही फोकस करके लड़की पूछती है। मम्मी की वजह से ही हम लोग आए हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा। अब देखो फिर कब होता है ना। हाँ सही में बहुत बोलते हैं कि भाग्य की बात होती है और किस्मत से लोग होते हैं जो यहाँ पे आते हैं। तीर्थ स्थान है बहुत बड़ा जो कि बहुत कम लोगों को मौका मिलता है घूमने का, मदुरई में। तो फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में, बीच बीच में जो भी चीज़ें कुछ स्पेशल दिखती होंगी रहेंगी आपको बताते रहेंगे हम। टेम्पल आ चुके हैं और मीनाक्षी टेम्पल है तमिलनाडु के मदुरई शहर में। तो ये आप देख रहे होंगे हमारे पीछे टेम्पल है और ये उसका मेन गेट है। और ये देखिए ये मंदिर के बाहर शॉप, मंदिर के ये शॉप्स देखिए। तो हम लोग 12 बजे पहुँचे हैं और अब मंदिर का क्लोज होने का टाइम है, तो बस जल्दी जल्दी अंदर जा रहे हैं। और आई डोंट थिंक कि अंदर रिकॉर्डिंग करना होगा अलाउड, तो हम दर्शन करके आते हैं फिर आपको बताते हैं। ये दर्शन करने जाने का रास्ता। तो फ्रेंड्स, मीनाक्षी टेम्पल के बारे में आपको बता देती हूँ। मीनाक्षी टेम्पल, जैसा कि आप सभी को पता है, कि तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित है और इसका निर्माण हुआ था 1623 और 1655 के बीच। और मीनाक्षी टेम्पल मुख्य रूप से माता पार्वती के लिए समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी और माता पार्वती, उन्होंने मनुष्य का जन्म लेकर के माता पार्वती मीनाक्षी के रूप में और सुंदरेश्वर जो कि उनके पति शिव भगवान थे उनके रूप में अवतरित हुए थे। तो माता मीनाक्षी की शादी सुंदरेश्वर जी से हुई थी और यहाँ पे शिव जी का भी मंदिर है जो कि अंदर आपको गर्भगृह के बाएं साइड में देखने को मिल जाएगा। मीनाक्षी टेम्पल देखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसका आर्किटेक्चर बाकी टेम्पल से काफ़ी अलग है। इसमें 14 प्रवेश द्वार हैं और एक गर्भगृह भी है। इस मंदिर को राजा मल्लध्वज और रानी कंचनमाला ने बनवाया था। 450 मीटर ऊंचा यह मंदिर काफ़ी भव्य और आकर्षक लगता है। मीनाक्षी मंदिर को दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो कि पहला नाम इसका अमन मीनाक्षी टेम्पल है और दूसरा मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल।
क्राउड बहुत ज़्यादा होने के कारण वॉइस ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग फाइनली दर्शन करके मंदिर से आ चुके हैं और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हमारे। और मंदिर के बाहर काफ़ी सारी शॉप्स हैं, मेरा मन कर रहा था शॉपिंग करने को, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम शॉपिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि आज ही हमें बैंगलोर निकलना है। और कल से फ्रेंड मैं आपको बता दूँ हमारे साउथ इंडिया ट्रिप का फेज़ 2 स्टार्ट होने वाला है, जो कि होगा ऊटी के लिए। और फिलहाल कल हम कोयम्बटूर निकलेंगे, तो अभी हमारे पास टाइम नहीं है, आज ही हमें एनी हाउ बैंगलोर पहुंचना है। तो हम यहाँ पे और भी कोई प्लेसेस यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे मदुरई में, सोचा तो था बट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं, बैंगलोर निकलते हैं, घर पहुंचते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। कर लिए, काफी अच्छे से दर्शन हो गया हमारा और धूप यहाँ बहुत तेज है लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। और अंदर कितने सारे मंदिर थे कि आप दर्शन करते करते काफी टाइम आपको चलना पड़ेगा। और मम्मी को थकान फील हो रही है, जैसे जैसे बैंगलोर आ रहा है मम्मी की थकान बढ़ती जा रही है। अभी तक मम्मी फुल एनर्जी में चल रही थी, अब एनर्जी थोड़ी सी कम हो रही है मम्मी की, अभी बैंगलोर पहुँचते पहुँचते क्या होगा। हम लोग अभी रुके हैं बेंगलुरु, यहाँ से अभी भी 150 किलोमीटर है, तो कुछ खाने के लिए तो चाय नाश्ता करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। सो फ्रेंड्स, नाउ वी एंटर्ड इन कर्नाटका, तमिलनाडु से हम आ चुके हैं और अभी हमें अपनी दी के घर जाने में अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर और है और यहाँ पे बारिश हो रही है। तो मम्मी जी तीर्थ यात्रा करके घर वापस आना अच्छा लग रहा है? अब थक गए, अब कुछ नहीं अच्छा लग रहा, अब बस मम्मी जी को घर दिखाई दे रहा है, अब बहुत थक गए, अब असली थकान शुरू होगी। हाँ, अब तो वो था कि हाँ चलना चलना। हेलो बच्चे, अरे सो दे हैव रीच्ड टू आवर होम नाउ, अभी हम जा रहे हैं, बहुत थकान हो गई, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।